कम टू R&T कार सर्विस। इसमें क्या हो रहा है, गाड़ी माइलेज नहीं आ रही है। इसमें फिल्टर, डीजल फिल्टर खोल के देखा तो फुल गलीज था और माइलेज नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग सबसे पहले इसको टंकी खोलेंगे। चलिए टंकी खोलते हैं। ये इसका टंकी हुआ, अंदर है ये वाला। इसको खोलने के लिए सबसे पहले यह साइलेंसर को खोलना पड़ेगा। यहाँ से हमने 2 वोल्ट खोल दिया, यहाँ से 2 वोल्ट खोलना है। सबसे पहले साइलेंसर को निकालेंगे और फिर टंकी उतारेंगे, देखते हैं टंकी के अंदर क्या है। क्या साइलेंसर का बूस निकाल रहे हैं। बूस निकालने के बाद साइलेंसर को नीचे लेंगे। ये हम लोग साइलेंसर को निकाल दिए। इसको निकालने के बाद इसको बाहर निकालते हैं। ये साइलेंसर को बाहर निकाल दिया हमने, अब टंकी खोलते हैं। ये टंकी का 2 पाइप है, एक मेन और एक रिटर्न है। इसको सबसे पहले खोलेंगे। इसमें फॉल्ट क्या होता है, ड्राइवर लोग गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चलाते हैं और डीजल फिल्टर को चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए 30-40 thousand को एक बार डीजल फिल्टर चेंज कर लेना। वो पूरा मिला को वो काट आता मुंह को, वो बच्चे को नको, नहीं तो वो देता था। कितना डाले थे अंकल बाद में आप? 700। हमने टंकी के अंदर क्लीन कर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्लीस था, आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का। अभी थोड़ा और क्लीन करना है डीजल फिल्टर। चलिए खोल के देखते हैं डीजल फिल्टर में क्या है। तो इधर है डीजल फिल्टर, चलिए खोलते हैं। ये फिल्टर का सेंसर है, डीजल फिल्टर सेंसर। इसमें थोड़ा ग्लीज है और फिल्टर को दिखाते हैं। ये इसका डीजल फिल्टर है जो कि आप लोग देख रहे हैं कितना गलीज डीजल है। हेलो, तो इसको फिटिंग करके नया नया दूसरा डाल के देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। ये हमने नया डीजल फिल्टर लगा दिया है, डीजल फिल्टर और पुराना इधर है, नया हमने लगा दिया पूरा फिटिंग करके। अभी आपको फ्लूट दिखाते हैं, फ्लूट भी डाल दिया। तो ये फ्लूट सेट कर दिया हमने, इसको अब गाड़ी में डालेंगे, देखते हैं फिर माइलेज में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने यहाँ पर साइलेंसर और टंकी फिर से फिट कर दिया है। अब गाड़ी को डाउन करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग को बीच रखते हैं। तो यहाँ पर पूरा फाइनल फिटिंग हो चुका है। R&T कार सर्विस, माय न्यू ब्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब लाइक। गाड़ी पूरा रेडी हो गया, अब चलिए इसे स्टार्ट करके देखते हैं। ये की ऑन किया, स्टार्ट करते हैं। हो गया, तो ये स्टार्ट हो गया है, डन। अब इसको चला के देखेंगे माइलेज पिकअप कैसा है। ठीक है, इसको चलाने चलते हैं। हमने यहाँ पे इसको ट्रायल मार के लेके आया, देखा बहुत ही अच्छा पिकअप है। अब चलाने के बाद मालूम हुआ माइलेज क्या है।